हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ITVP DIG APS ने मांडिया और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जाए जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें गांव गांव तिरंगा फहराने, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, झंडा बैग बनाया जाएगा, एक शाम तिरंगा के नाम कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय गान का आयोजन साहित्यकारों के द्वारा राम राजा गार्डन में कराया जाएगा। व्यापार संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश पहारिया ने व्यापार संघ से 500 झंडा देने की बात कही और हर घर तिरंगा 11 से 17 अगस्त को बीच गांव गांव जाकर मनाया जाएगा, जिसमें ITVP के जवान, सरपंच, सचिव, गांव की महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी शामिल होंगे। ITVP सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल उप महानिरीक्षक APS निम्बाडिया बच्चों को मोटिवेशन कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में SDM दिनेश चंद्र शुक्ला, ITVP असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार यादव और नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, RI विनोद सोनी, महिला बाल विकास अधिकारी प्रियंका बुनकर, सुमित गुप्ता, मुकेश शर्मा, ओम प्रकाश पहारिया, प्रभुदयाल शर्मा, ब्रजेश श्रीवास्तव अग्रवाल आदि लोग यहां पर उपस्थित थे। यहाँ के DIG सर ने अपने असिस्टेंट कमांडेंट को भेजा था, मिस्टर यादव, और आप लोग रहे हैं इस मीटिंग में। हमारे विभाग कार्यालय प्रमुख हैं सारे, यहां पर जितने हैं वो रहे हैं, और साथ में हमारे साहित्यकार जो करेरा के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और साथ में हमारे यहाँ के जो व्यापारी संघ के हैं और हमारे सोशल सेवक जैसे मिस्टर अग्रवाल वगैरह, ब्रजेश अग्रवाल, वो स्कूल भी हैं उनका और वो एक यहाँ के वो भी हैं समाज से भी हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने एक मीटिंग की है। इसमें हम प्रभात फेरी करेंगे सारे गांवों में, इसमें महिला बाल विकास की भूमिका रहेगी जिसकी CDPO हमारे साथ हैं, इसमें आजीविका मिशन भी है, इसमें हमारे स्कूल हैं और हमारा पंचायत, ये चारों मिल करके हर गांव में प्रभात फेरी करेंगे, झंडे के महत्व के बारे में बताएंगे और हर घर तिरंगा के संबंध में पूरी तरह से उनको जागरूक करेंगे, एक ये तय हुआ है। इसी के साथ ही स्कूलों में हमारे इसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होंगी, निबंध लेखन होगा, वो भी एक है। हमारे यहाँ के प्राचार्य भी आए हुए थे मॉडल स्कूल के, इस समय जो प्राचार्य नहीं है लेकिन अभी वो काम देख रहे हैं, श्री मुकेश शर्मा, ये सब लोगों की एक बहुत सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है इसमें, और सभी ने शहर से इस पर काम किया है। ITVP के द्वारा कम से कम 7 बड़े गाँव में अपने ड्रम के साथ प्रभात फेरी की जाएगी, ये एक बहुत ही स्तुत्य और प्रशंसनीय कार्य है, उन्होंने इसको बीड़ा उठाया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि इसी तरह के गांव-गांव में 4 लोगों के द्वारा, जो अभी मैंने बताया, महिला बाल विकास, आजीविका मिशन की दीदियां और हमारे स्कूल के बच्चे और पंचायत के लोग, ये मिलाकर प्रभात फेरी करेंगे कंटिन्यूअस, और एक हम झंडा बैंक भी बना रहे हैं